हेलो एवरीवन, मैं फिर से आई हूँ आपके सामने। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि आप सभी अच्छे हो। और मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ के बारे में, जो कि एक फ्रूट है जो कि मिलता है ठंडियों के मौसम में स्पेशली, जिसे कहते हैं सिंघाड़ा। इंग्लिश में से बोलते हैं चेस्टनट। मोस्टली लोगों को बहुत पसंद होता है, लोग खाते भी इसे बहुत चाव से हैं, कुछ बॉयल करके भी खाते हैं, कच्चे भी खाते हैं इन्हें। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके फ़ायदे आज, क्योंकि सिंघाड़ा जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम सब शायद इसके फ़ायदों से अनजान होंगे, तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सिंघाड़े के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस किस चीज़ में उपयोगी है। तो ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होता है। जो सिंघाड़ा होता है वो पेट की प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम, इन सब में बहुत फ़ायदेमंद होता है। सिंघाड़ा खाने से शुगर भी कंट्रोल करना आसान होता है। सिंघाड़ा खाने से इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डी और हड्डियों के लिए और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सिंघाड़ा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको खाने से माँ और बच्चे का अच्छा विकास होता है, अच्छी ग्रोथ होती है और अबॉर्ट भी नहीं होता। और किसी को अगर पायल्स की प्रॉब्लम है, जिससे कि बवासीर कहते हैं, उसमें भी सिंघाड़ा बहुत फ़ायदेमंद होता है। सिंघाड़े से आप मोटापा भी कम कर सकते हो, ये उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। सिंघाड़ा आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जलन है या दर्द है, तो फिर उसके लिए भी फायदेमंद होता है, आपको इसे यूज़ करना चाहिए। और सिंघाड़ा जो है ये अगर आपको एड़ियों के फटने की दिक्कत है तो उसके लिए भी अच्छा होता है, इसका लेप बना के आप लगा सकते हैं। और अगर किसी को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी सिंघाड़ा बहुत अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। तो हम सिंघाड़े के ये कुछ फ़ायदे हैं जो कि आज आपको पता चल गए होंगे। तो अगर आपने नहीं खाना स्टार्ट किया है तो जल्दी से खाइए, जिससे कि सर्दियाँ चले जाएँ, उससे पहले सिंघाड़ा खाना जरूर स्टार्ट करिए। तो फिर फिट रहिए, हेल्दी रहिए आप लोग, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।